एमएस धोनी ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे और तभी से उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। क्रिकेट से दूर होने के बाद धोनी ने आर्मी के साथ ट्रेनिंग की। इसी बीच उन्होंने टेनिस, गोल्फ भी खेला। यही नहीं, करीब 8 लाख का ट्रैक्टर भी खरीदा। धोनी खेतों में भी नजर आए थे और कहा जा रहा था कि वो ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं। अब आ रही खबरों के मुताबिक संन्यास लेने के बाद धोनी ऑर्गेनिक खेती और किसानों के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं। एक खबर के अनुसार धोनी किसानों की मदद करना चाहते हैं और वो इसके लिए न्यू ग्लोबल करके नया ब्रांड ला रहे हैं। धोनी शुरुआत से ही क्रिकेट के अलावा देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और इसी वजह से वह किसानों की मदद करने की भी योजना बना रहे हैं। खबर के अनुसार धोनी दूर दराज के किसान तक कम कीमत के सस्ते फर्टिलाइजर पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए धोनी की कंपनी की बात राज्य सरकार से भी चल रही है। सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि वह गरीब और टैलेंटेड बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ग्लोबल स्कूल की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि धोनी क्या पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे या फिर किसानों की भी मदद करेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।